हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली अलग से क्योंकि मुझे पता नहीं था कि लास्ट कहाँ तक हम लोग चलेगा, तो ये वहीं वाले व्लॉग कंटिन्यू चल रहे हैं। सो वहाँ से निकलने के बाद फिर हम लोग गए सीधा मार्केट में, तो आगे का देखिए हमने क्या क्या किया। वीडियोस आ चुकी होगी, मुझे नहीं पता कि कौन से वाले व्लॉग में जाएगा, तो आपको नहीं देखा होगा तो अभी देख लोगे। अजमेरा फैशन का हम वहाँ पे गए और अलग अलग टाइप का आप लोगों को कलेक्शन दिखाया, बहुत पसंद आया, बहुत मज़ा आया। बट अभी घूमने जैसा यहाँ पे नहीं है क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। ओला बुक कर रहे थे, ओला बुक नहीं हो रही थी, बार बार कैंसिल हो जा रही थी। तो हमने किया है अपना ऑल टाइम फेवरेट रिक्शा, ऑटो रिक्शा। तो बस अभी अभी हम कहाँ जा रहे हैं, कमरे पे अभी हम जा रहे हैं, रूम पे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे क्योंकि थक भी गए हैं बहुत, और भुट्टा भी घूम रहा है बाहर। देखेंगे खाएंगे क्या, मेरे को जामुन नहीं दिखे यहाँ पे, मेरा फिर से जामुन खाने का मन कर रहा है। खिलाओगे? तो गाइस हम ऑटो वाले भैया ने हमें छोड़ा है यहाँ पे, मुझे नहीं पता ये कौन सी मार्केट है, पर हमने बोला छोटी मोटी शॉपिंग करनी है तो बता दो, तो हम आए हैं यहाँ पे। यहाँ पे बेसमेंट में जाके है, इसको क्या बोलते हैं आप लोग बताना प्लीज। अभी जा रहे हैं हम इधर की साइड, पैकेट का सेल है। क्या क्या कितने में कितना? ओ बे जरा बाउस दे यहां, आ जाओ बाउस ताकेड़ वाले पे। अब आओ बाउस जोड़ी। शाम के बज गए हैं 5 और हम लोग वापसी आ गए नीचे, और बारिश में ऐसा हो रहा है किच 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 किच, बट रूम में भी कोई खास मन लग नहीं रहा था, तो हमने सोचा थोड़ा बाहर निकलते हैं, घूम के आते हैं। मोहित बोला मैं ना जाऊँ, तुमने जाना था, हम जाओ, तो मैं और हम नीचे आए हैं अभी बस। तो भूख भी लग रही है, कुछ खाएंगे अभी। हाँ जी कुछ खाएंगे। ये रेलवे स्टेशन के पास में ये मार्केट है, यहाँ पूरा आगे तक हम लोग घूम के आए, कुछ भी खाने का नहीं मिला हमें। जहाँ पे आपको ये फ्लैग दिख रहा है, इस साइड रेलवे स्टेशन है, और ये है, बारिश की वजह से काफ़ी चिपचिपा वगैरह हो रखा है। ये भी रहे इधर कोल्ड ड्रिंक, और मेरे को कोई एक ऐसी शॉप दिखाई नहीं दे जहाँ से मैं कोई पॉपकॉर्न या कुरकुरे ले लूँ, क्या करूँ मैं। मुझे यहाँ पे जो कमी लगी है ना, जैसे अपने दिल्ली गुड़गांव की तरफ, मतलब हर पॉइंट पे आपको कुछ ना कुछ खाने का आइटम मिल जाएगा, बट यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा। अभी रेलवे स्टेशन के पास में ये कोई बिल्कुल छोटा सा, जहाँ पे मुझे ब्रेड पकोड़ा दिखाई दिया है, चाय कुछ तो लेते हैं क्योंकि कुछ नहीं खाया आज हमने, बहुत हेक्टिक नहीं रहा। देखते हैं क्या खाएंगे खाने के लिए यहाँ पे, ये साथ में चाय, बट मुझे दोनों ही अच्छे नहीं लग रहे, शक्ल से भी और मेरे ख्याल से टेस्ट में भी अच्छे नहीं। कैसे हैं जी? जो दिल्ली हरियाणा वाले लोग आते हैं वो कैसे चलाते होंगे काम यहाँ पे खाने का, है भूखे ही रहते होंगे मेरे ख्याल से, पता नहीं। हो सकता है हम लोग नए हैं, हमें नहीं पता, हो सकता है हो एक तो अच्छी जगह है ना, हमें नहीं पता हो, पता नहीं। हम तो 2-3 जगह घूमाए यार, खाने का सिस्टम नहीं बैठा बिल्कुल भी, पूरी सिचुएशन हो गई है। तो अपना तो गई पॉपकॉर्न जिंदाबाद, ये वाला पॉपकॉर्न मिला है तो ये लिया मैंने। ठीक है जी, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो अगेन मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ शॉपिंग पेज। इंस्टाग्राम पे पेज है इम्पोर्टेड फैशन हब के नाम से पेज है इनका, और मैं बाहर ये वीडियो बना रही तो बहुत ज़्यादा धूप है तो मेरी आंखें पूरी ओपन नहीं हो रही, उसको इग्नोर कीजिएगा। ये अनारकली टाइप सूट है, लाइक पूरा राउंड में है, और नीचे ये पेंट प्लाजो है, बहुत ही प्यारा सूट है, फुल कॉटन में है, और ये प्रिंट में आप देख रहे हो फुल चुन्नी है प्रिंट में, बहुत ही प्यारा सूट है। तो गाइज अगर आपको भी मेरे जैसा सूट चाहिए तो मैं नीचे पेज का नाम मेंशन कर दूंगी, आप पेज पे जाइएगा और अपना ऑर्डर प्लेस कीजिएगा। बाकी फुल लुक के लिए मैं फ़ोटो भी अटैच कर दूँगी। बाय बाय। वापसी आ गए हम लोग होटल में,
और ये मोहित यही रुक गया था क्योंकि हम लोग बाहर गए थे, इसके लिए पकोड़े पैक करवा के लेके आ गए। मेरा नाम तो मेरा नाम कर रहा है पकोड़े तेरे से नहीं ले गए पैक करवा गए मैं करवा गई फोन ना गए ना मैंने तक ना करवाया कि मैं तो बस अब यहाँ से निकलेंगे क्योंकि अब हमारी रिटर्न की टिकट है। बारिश आने लग रही है मोबाइल तथा पैकेज जो और अब हम निकल लिए हैं। सावधान सूरत पुलिस देखो ट्रेन से कैसे पानी निकल रहा है। गाइस हमने खाने का भी आइटम ले लिया और हम बैठ गए हैं अभी वेट कर रहे हैं कितनी देर में आएगी। बहुत ही चिपचिप हो रही है। कितनी देर में आएगी? बस गाड़ी 10 किलोमीटर दूर रही है अभी, आने वाली है 10-15 मिनट में बस। उसके बहुत भीड़ है बट भाई मैं सामने का व्यू दिखाती हूँ आप लोगों को कितनी भीड़ है। ये देखिए गाइस सामने वाले में कितनी ज़्यादा भीड़ है, मतलब जहाँ देखोगे ना वहाँ पे आपको पब्लिक जो है नज़र आ रही होगी, ताबड़तोड़ पब्लिक है। और है और ये अपनी होने वाले की उसमें एक्साइटमेंट देखो कितना ज्यादा है। बुखार है मोहित को आज, बुखार है। हाँ। यहाँ पे कुछ डिस्कशन कर रहे हैं और हमारी ट्रेन वो आ गई है। ट्रेन फाइनली हमें मिल चुकी है सीट अपनी, आज हमारी सीट अपर है बट हम अभी नीचे ही हैं क्योंकि क्या बोलते हैं फिर बार बार ऊपर नीचे नहीं जाना पड़ेगा तो इसीलिए खाना वाना खा के फिर जाएंगे। तो गाइस हमारा जो सीट हम सोच रहे थे हमें नीचे मिलेगी आज नीचे नहीं ऊपर मिली है। इस पे सोएंगे अमित जी, इस पे आज बटे वो चौबारे में सोएगा और मोहित जाएगा पीछे, एक और नंबर है वहाँ पे 4 नंबर पे। तो अभी बातें कर रहे हैं खाना वाना खाएंगे बस और आधे घंटे बाद खाएंगे पियेंगे। स्टेशन पे मैं फोन यही भूलने वाली थी, ये वाला गाइस दिलवा दिया। तो जी हम लोग बैठ गए हैं, कैब कर ली थी हमने ऊबर कैब और अभी बस एक घंटे में पहुंच जाएंगे घर पे। खाने का रास्ते में देखेंगे या फिर क्योंकि अभी तो गीता भी जा मतलब उसका भी टाइम हो चुका होगा तो खाने का देखते हैं कैसे करेंगे। आगे वो भी खाई बैठा हुआ है हिम्मत नहीं है तो अब मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।